बस्तर के बोधघाट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों रुपयों की ठगी करने के 3 आरोपियों को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए नकद समेत अन्य सामान भी बरामद किया है। बस्तर पुलिस के अनुसार अगस्त में प्रार्थी सरदार दरबारा सिंह की फेसबुक के माध्यम से कुछ लोगों ने उससे दोस्ती हो गई। दोस्ती करने के बाद लोगों ने विदेश से गिफ्ट मंगाकर उसे भेजने और गिफ्ट में कस्टम ड्यूटी के बहाने अलग अलग किस्तों में 27,75,700 रुपये अपने खाते में जमा करवा लिया। कुछ दिनों बाद प्रार्थी को एहसास हुआ कि वह ठगी का शिकार हो चुका है। सरदार दरबारा सिंह ने मामले की रिपोर्ट बोधघाट थाने में दर्ज कराई। बस्तर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा ने एक टीम गठित कर दिल्ली भेजा। सबूतों के आधार पर पुलिस टीम एक युवती सहित 3 आरोपी शोभ्रा स्थापा, रेणुका पुंडेल और राजू हितांग को गिरफ्तार कर लिया है। जगदलपुर CSP हिमसागर सिदार ने बताया कि तीनों आरोपी मूलतः नेपाल के रहने वाले हैं और बीते 4-5 सालों से दिल्ली में ही रह रहे थे। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। थाना बोधघाट क्षेत्र का है, जहां इस संबंध में इसके जो प्रार्थी हैं सरदार दरबारा सिंह, उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि माह जुलाई और अगस्त 2020 के दौरान जो है इस मामले के कुछ लोगों के द्वारा फेसबुक पर फ्रेंडशिप कर आउट ऑफ इंडिया से कुछ सामान गिफ्ट के तौर पर भेजने और कस्टम ड्यूटी की बात कहते हुए अलग अलग समय पर अलग अलग इंस्टॉलमेंट में जो है करीब 27 लाख रुपए से अधिक के ठगी के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। और इस पर थाना बोधघाट में धारा 420 IPC और IT एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था। दौरान अनुसंधान के जानकारी प्राप्त हुई थी कि इस मामले के कुछ संदेही और आरोपी दिल्ली क्षेत्र में उपस्थित हैं और इस सूचना पर निरीक्षक धनंजय सिन्हा के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम दिल्ली की ओर रवाना किया गया था। और इस टीम के द्वारा इस मामले के कुछ संदेही हैं, 3 संदेही जिनमें सोमराज थापा, रेणुका गुसाई और राजू हितांग, तीनों नेपाल देश के मूल निवासी हैं, इन्हें इस मामले में जो है हिरासत में लिया गया और जिनसे पूछताछ किया गया। और पूछताछ के दौरान इन तीनों के द्वारा जो है पिछले साल जुलाई और अगस्त के दौरान इस मामले के जो पीड़ित हैं उन्हें फेसबुक पर फ्रेंडशिप करने और कुछ सामान गिफ्ट भेजने और कस्टम ड्यूटी के नाम पर जो है 27 लाख रुपए ठगी करना स्वीकार किया गया है। और इसमें तीनों आरोपियों के कब्जे से करीब 1.5 लाख रुपए नकद, 5 मोबाइल, अलग अलग बैंकों के 10 ATM कार्ड, इसके अलावा पासबुक, चेकबुक और अन्य आवश्यक जो दस्तावेज और साथ में नेपाल का एक पासपोर्ट जो है बरामद किया गया है। और इस मामले में तीनों आरोपी सोमराज थापा, रेणुका गुसाई और राजू हितांग, तीनों को गिरफ्तार कर दिल्ली से छत्तीसगढ़ लाया गया है। और तीनों को गिरफ्तारी के पश्चात जो है न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया गया है। और अभी यह मामला जो है थाना बोधघाट के अंतर्गत विवेचनाधीन है और इस मामले के जो तीनों आरोपी हैं वो नेपाली देश के मूल निवासी हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1.5 लाख रुपए नकद सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज भी बरामद किया है। साथ ही उनसे कड़ी पूछताछ भी की जा रही है ताकि दूसरे और अपराध की शिनाख्त की जा सके। देश टीवी के लिए बस्तर से धर्मेंद्र महापात्र की रिपोर्ट।